हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप और आपके साथ मैं हूं काजोल। फिल्म फेयर 2022 के रेड कारपेट पर शहनाज गिल ने कई सवालों के जवाब दिए। जब शहनाज से पूछा गया कि वो सोशल मीडिया पर किसको सबसे ज़्यादा स्टॉक करती हैं, तो एक्ट्रेस ने खुद को ही बताया वो सोशल मीडिया पर खुद को ही स्टॉक करती हैं। साथ ही उनका सोशल मीडिया कौन हैंडल करता है, इसका जवाब देते हुए एक्ट्रेस बोली कि कभी वो खुद पोस्ट करती हैं, नहीं तो उनकी टीम या उनके मूड पर डिपेंड करता है। 67th फिल्म फेयर अवार्ड 2022 का आयोजन मंगलवार को किया गया। फिल्म फेयर अवार्ड की शाम फंक्शन में बॉलीवुड सितारे अपने जलवे बिखेरते नजर आए। इसके साथ ही हर साल की तरह इस साल भी बॉलीवुड की अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड्स भी बांटे गए। फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का टाइटल रणवीर सिंह ने अपने नाम किया, तो वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का टाइटल कृति सेनन को मिला। इस साल फिल्म फेयर अवार्ड में OTT फिल्मों का बोलबाला रहा, क्योंकि साल 2021 में अधिकांश फिल्में OTT पर ही रिलीज हुई थी। इस साल फिल्म फेयर बेस्ट फिल्म का अवार्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा के फिल्म शेरशाह को मिला है। उर्वशी रौतेला अपने ग्लैमरस अंदाज को लेकर काफ़ी लाइमलाइट में रहती हैं। एक्ट्रेस भले ही फिल्मों में कम नजर आती हों, लेकिन बला के खूबसूरत उर्वशी कभी भी पीछे नहीं रहती। मॉडलिंग की दुनिया में वो काफ़ी एक्टिव हैं। उर्वशी रौतेला की फैन फॉलोइंग काफ़ी तगड़ी है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक फ़नी फोटो शेयर किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। इस फोटो में उर्वशी का एक फैन अगरबत्ती के साथ उनकी एक तस्वीर की पूजा करते हुए नजर आ रहा है। फोटो में वो फैन अपने लैपटॉप स्क्रीन पर उर्वशी रौतेला की फोटो खोलकर उन पर टीका लगाते और अगरबत्ती जलाते नजर आ रहा है। शख्स के हाथ में पूजा की एक थाली भी है, जिसमें पूजा का सारा सामान भी नजर आ रहा है। सोनाली के बिग बॉस के साथी राखी सावंत का बयान सामने आया। राखी ने बताया कि वो जो बिग बॉस के घर में थी, तो सोनाली फोगाट ने उन्हें बताया था कि वो पीए सुधीर से प्यार करती हैं और अपनी फीलिंग्स को उन्हें इजहार भी कर चुकी हैं। मीडिया से बातचीत में राखी ने कहा, देखिए जब मुझे पता चला था तो पहले दिन से मुझे मर्डर ही लग रहा था, सोनाली जी का मर्डर ही हुआ है। बिग बॉस में बहुत अच्छा वक्त बिताया है मैंने, उनकी जान थी उनकी बेटी और वो उनके पीए थे, वो टकलू। कृति सेनन ने कॉफी विद करण में बड़ा खुलासा किया। शो के दौरान कृति ने खुलासा किया है कि वो किस एक्टर के साथ अच्छी लगेंगी, जिसके बाद करण ने अपनी पार्टी का एक किस्सा सुना डाला। शो में करण जौहर ने खुलासा किया कि उन्होंने अपनी पार्टी में कृति और आदित्य रॉय कपूर को एक कॉर्नर में कोजी होते देखा था। करण के जवाब देते ही कृति ने कहा, मैं कॉर्नर में कोजी नहीं हो रही थी और यह आपको पता है, लेकिन हाँ हम लोग बात कर रहे थे, वह काफ़ी फनी है। तो ऐसे ही दिलचस्प और चटपटी खबरों के लिए आप बने रहिए बॉलीवुड गपशप के साथ।